कुंज विहारी श्री हरिदास, स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जो कि बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, और इनके भीतर जितनी विद्वता है उससे कहीं अधिक कूट कूट करके अहंकार भरा पड़ा है। स्वामी रामभद्राचार्य जी की बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। अपने आप को विद्वान सिद्ध करने के लिए अब ये शास्त्रों में छेड़छाड़ करने लगे हैं। कभी ये हनुमान चालीसा की चौपाई को बदल रहे हैं, तो कहीं रामायण की चौपाई को शुद्ध कर रहे हैं, तो कभी ऋग्वेद इत्यादि के मंत्रों को शुद्ध करने चले हैं। अब तो हद हो गई है। स्वामी रामभद्राचार्य जी का कहना है कि रामायण में उत्तरकांड में जो सीता के दूसरे वनवास की कथा है, यानी कि जो राम जी ने सीता जी का त्याग किया है, इस प्रकार की जो कथा है ये सब मिथ्या है, ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं है। स्वामी रामभद्राचार्य जी विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन मान लीजिए कोई इन्हें संदेह हो गया है भगवान की किसी लीला पर, तो इन्हें अध्ययन करना चाहिए। ये कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि राम जी सीता जी का त्याग कर सकते हैं, क्योंकि राम जी इतना प्रेम करते थे कि वो कैसे त्याग सकते हैं। मान लीजिए ईश्वर की किसी लीला पर आपको संदेह हो गया है तो आप अध्ययन कीजिए, आप महात्माओं से जाकर के सत्संग कीजिए, लेकिन आप कैसे सत्संग करेंगे? आप तो अपने से बड़ा किसी को मानते ही नहीं हैं, आप तो अपने आप को ब्रह्मा मान चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मा को भी मोह हो गया था। भगवान कृष्ण जब ग्वाल वालों के जूठन को खा रहे थे ना, तो ब्रह्मा जी को लगा कि भाई ये ब्रह्म हो सकता है। उसी प्रकार का मोह आपको भी हो गया है, इसीलिए आप सत्संग कीजिए, आप अध्ययन कीजिए। लेकिन आप अध्ययन करेंगे कैसे, क्योंकि आपके पास तो समय ही नहीं। राजनीति पार्टियों का प्रचारक बनकर के आप घूम रहे हैं, राजनीति पार्टियों का आप प्रचार कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, किसी भी मंच पर अपने आप को विद्वान साबित करने के लिए मियां मिट्ठू बनकर के कुछ भी बोल रहे हैं। अभी एक वृंदावन में कथा थी, तो उस कथा में ये कहते हैं कि मैं विद्वान हूँ और विद्वता का मूल्यांकन तो होना ही चाहिए। भाई आप सन्यासी होकर के भी विद्वता का मूल्यांकन लेने के लिए विद्वता का मूल्यांकन चाहते हैं, भाई आपका मोह नहीं गया तो आपके इस संन्यास का फायदा क्या? इससे अच्छा तो आप विवाह करते, संतान होती, घर बार बसाते। आप सन्यासी होकर के भी विद्वता का मूल्यांकन चाह रहे हैं। जहां कहीं भी इन्हें मौका मिलता, यदि कोई बड़ा मंच मिल जाता, तो वहां बस एक ही बात बताते कि मुझे सारे वेद कंठस्थ हैं, मैंने सारे पुराणों को याद कर रखा है, मैं 200,000 राम नाम जपता हूँ। मैं कहता हूँ 200,000 नहीं, आप 50,000 भी राम नाम जपते ना, तो ये सारी लीलाएं आपको समझ में आ जाती कि राम जी ने सीता जी का त्याग क्यों किया था। यदि स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि राम जी ने सीता जी का त्याग क्यों किया, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। मैं बताता हूँ उन कारणों को। तस्मात् त्वं मानुषे लोके जनिष्यसि जनार्दन, तत्र पत्नी वियोगं त्वं प्राप्स्यसि बहुवार्षिकम्। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उस समय दैत्य पराजित हो गए, और जो बचे कुचे दैत्य थे वो भाग करके भृगु जी की पत्नी की शरण लेते हैं और कहते हैं कि माँ मेरी रक्षा करो। भृगु की पत्नी ने उन्हें अभय दान दिया। भगवान विष्णु इतने में पहुंच गए, कहने लगे देवी तुम हटो, इन दैत्यों का नाश मुझे करना है। भृगु की पत्नी ने कहा कि सरकार मैंने तो इन्हें वचन दे दिया है कि मेरे जीते जी तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसीलिए प्रभु यदि आप इन्हें दंड देना चाहते हैं, यदि ये अपराधी हैं, तो आप पहले मेरा वध करें, उसके बाद आप इन्हें दंड दें। भगवान ने भृगु की पत्नी का सर धर से अलग कर दिया और इसके बाद दैत्यों का नाश किया। जब ये बात भृगु जी को मालूम हुआ तो भृगु जी क्रोध से भर करके भगवान को श्राप दे देते हैं कि भगवान मेरी पत्नी वध के योग्य नहीं थी, परंतु आपने क्रोध से मूर्छित होकर उनका वध किया, इसलिए आपको मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ बहुत वर्षों तक आपको पत्नी वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। तो भृगु जी के श्राप के मान को रखने के लिए भगवान राम ने सीता जी का त्याग किया। अब दूसरा कारण सुनिए। अब मैं दूसरा कारण जो बताने जा रहा हूँ ये भी वाल्मीकि रामायण से ही है। दृष्ट्वा तु राघव पत्नीम कल्याणे समन्विताम प्रहर्षमातुलम लेभे साधु साध्वीति चाब्रवीत।
जब भगवान रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को गर्भ के मंगलमय चिन्हों से युक्त देखा तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा कि देवी कुछ वरदान मांगो। तब भगवान राम के इस बात को सुनकर के जानकी जी ने कहा, फल मूलाशिनाम देवा पाद मूलेषु वर्तितु। देवी सीता ने कहा कि हे प्रभु, मेरी इच्छा एक बार उन पवित्र तपोवन को देखने की हो रही है। देव, गंगा तट पर रहकर फल फूल खाने वाले जो उग्र तपस्वी महर्षि हैं उनके समीप मैं रहना चाहती हूँ कुछ दिनों तक। तो ये दूसरा कारण था कि जानकी जी ने स्वयं वरदान मांगा था भगवान राम से कि मैं उन उग्र तपस्वियों के बीच में रह करके और उनके जीवन को देखना चाहती हूँ, उनके बीच रह करके मैं तपस्या करना चाहती हूँ। स्वामी रामभद्राचार्य जी जो कहते हैं कि सीता त्याग की जो कथा है वो सब मिथ्या है, ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी है, तो मैं रामभद्राचार्य जी को अब तीसरा प्रमाण वाल्मीकि रामायण से देता हूँ। जब लक्ष्मण जी जानकी जी को वन में छोड़ करके जाने लगे तो क्रोध से आतुर होकर के लक्ष्मण जी रोने लगे। उन्हें रोता हुआ देख जानकी जी ने स्वयं कहा, हे लक्ष्मण, तुम रुदन क्यों करते हो? गंगा के तट पर आकर तो मेरी चिरकाल की अभिलाषा पूर्ण हो गई है। तुम्हारे भैया से जो मैंने वरदान मांगा था वो वरदान आज सिद्ध हो रहा है, तो तुम शोक क्यों करते हो? तो ये तीसरा प्रमाण है स्वामी रामभद्राचार्य जी को, जो कि कहते हैं ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी है। स्वामी रामभद्राचार्य जी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कहीं का कोई श्लोक बोल देते हैं, कहीं का कोई चौपाई बोल करके, और कहते हैं कि देखो ये प्रमाण है कि लव उसका जन्म महल में हुआ। एक उन्होंने चौपाई भी बोला, और चौपाई क्या है? तो ये है, जनक सुता समेत रघुवीर ही कस न भजहु भंजन भव भी रही। ये सुना करके और कहते हैं कि देखो लव कुश का जन्म तो महल में हुआ, हालांकि इस चौपाई का अर्थ कुछ और है। इस चौपाई का अर्थ है कि जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी के समेत रघुवीर जी को क्यों नहीं भजते, इसका अर्थ ये है। लेकिन कोई भी श्लोक, कहीं का कोई चौपाई बोल करके अपनी बात की पुष्टि करते हैं कि देखो मैंने जो बोला ये सही लिखा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई आप सभी लोगों को धर्मशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, ताकि आपको कोई पागल ना बना पाए। स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी से हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूँ कि कोई भी उल्टी सीधी बयानबाजी ना करे अपने आप को विद्वान सिद्ध करने के लिए, क्योंकि आपके ऐसा करने से हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी हानि हो रही है। आप जैसे विद्वान को सुन करके अब दूसरे लोग भी यही कथा सुना रहे हैं कि सीता जी के दूसरे वनवास की कोई घटना हुई ही नहीं है, ऐसी कोई कथा शास्त्र में है ही नहीं। तो मैं स्वामी जी से बार बार आग्रह करता हूँ कि अपने आप को विद्वान साबित करने के लिए उठपटांग की बयानबाजी ना करें।